गाजा में चल रहे इसराइल हमास युद्ध से वेस्ट बैंक भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी इसराइली बलों और हमास लड़ाकों के बीच हिंसक लड़ाइयाँ जारी हैं। इसराइल जहाँ गोलाबारी कर वेस्ट बैंक इलाके पर अपनी बस्तियाँ बसाने में जुटा है, तो वहीं ये पूरा इलाका भी युद्ध में झुलसता जा रहा है। 21 जुलाई 2024 को वेस्ट बैंक के उत्तर पूर्व में तुबास शहर में फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानियों और इसराइली सेनाओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। अल कुदरस ब्रिगेड की तुबास ब्रिगेड ने बताया कि लड़ाकों ने अल ताइसिर एक्सिस में पहले से तैयार विस्फोटकों को इसराइली बलों पर बरसाया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़पें भी हुई। अलवाद एक्सिस में ब्रिगेड ने इजरायली फौज के ऊपर घात लगाकर धावा बोला। ब्रिगेड की इंजीनियरिंग यूनिट ने इजरायली सैन्य वाहनों को जमीन में छिपाए आईडी से जाल में फंसाया और जबरदस्त विस्फोट से उड़ा डाला। इजरायली मीडिया हाउस ने भी दावा किया कि जॉर्डन वैली के तुबास शहर में सैन्य ऑपरेशन के दौरान प्रतिरोध के साथ झड़पों में टाइग्रिस सैन्य वाहन तबाह हो गया। बताया जाता है कि घात लगाकर किए गए हमले में लड़ाकों ने इजरायली बलों पर गोलियों की बौछार की। इससे कई इजरायली जवानों के हताहत होने की भी खबर है। इसके अलावा युद्ध मोर्चों पर सैन्य बलों का अन्य इलाकों में भी भीषण टकराव हुआ, जहां भारी मात्रा में गोलियों से स्नाइपरों ने इजरायल के पैदल सैनिकों को निशाना बनाया। तुबास में अल कसम ब्रिगेड ने भी अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ाई। लड़ाकों ने शहर पर हमला करने वाली इजरायली सेना का सामना किया। इस दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से जबरदस्त फायरिंग देखी गई। दावा है कि लड़ाकों के हमले से इजरायली बल पीछे की ओर खिसक गए। इस दौरान लड़ाकों ने विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इजरायल के सैन्य साजो सामान और बख्तरबंद वाहनों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालिया हमलों से ये भी अंदेशा जताया जाने लगा है कि गाजा से शुरू हुई लड़ाई अब वेस्ट बैंक की ओर भी शिफ्ट हो रही है, जो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी की तरह है। वहीं उत्तर पश्चिमी वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने एक सैन्य बुलडोजर के साथ कलकलिया शहर पर हमला किया। इससे इलाके की सड़कें और बुनियादी ढांचे पूरी तरह तहस नहस हो गए। माना जा रहा है कि जानबूझकर और सोची समझी रणनीति के तहत हमास लड़ाकों की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा किया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि इजरायली फौज ने इलाके के एक कॉलेज को घेर लिया है, जहां मौजूद कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया है। साथ ही चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए हैं। इस दौरान इजरायली बलों ने छापेमारी अभियान भी चलाकर कई फिलिस्तीनियों को पकड़ा भी है। दावा है कि कई घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तरी वेस्ट बैंक में नबलस में भी इजरायली सेनाओं ने कहर बरपाया। शहर के पूर्व में काफर कलील शहर पर हमला किया। वहीं वेस्ट बैंक के दक्षिण में इजरायली सेनाओं ने शहर के पूर्व में बानी नहीम शहर, दक्षिण में डियूरा शहर पर भी हमला कर हमास लड़ाकों को ललकारने का भी काम किया। ऐसा दावा है कि IDF ने वेस्ट बैंक में अपनी कार्रवाइयों के पीछे हमास लड़ाकों के ठिकानों और उन्हें फंडिंग किए जाने का हवाला दिया है। बहरहाल मिडिल ईस्ट का तनाव थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा से उठी जंगी हुंकार अब वेस्ट बैंक को भी अपने साए में लेती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये देखना काफी अहम रहेगा कि वेस्ट बैंक में संघर्ष कहां तक और किस हद तक जाता है।